तैयार हो जाइए। दुनिया भर के बाजारों से फिर से है कमजोरी के संकेत। कमजोर शुरुआत के बाद क्या 8000 की तरफ बढ़ेंगे या फिर से दिखेगा 8500? लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज ये शो शुरू करें उससे पहले हमारी टीम ने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार करा है, देख लेते हैं उसे। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए कहां है मौके, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। आज हम आपको है ना ऐसी कुछ कंपनियां ढूंढते हैं जो हाल ही में डीमर्ज होकर लिस्ट हुई। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं आप? मेरी मम्मी करती हैं। मेरा नाम मित्री है। वेलकम ऑन द शो मित्री, क्या बात है। भर में और दुनिया भर के बाजारों में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल जी, आप सबका, पूरी टीम का, आपका और जी जी सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई में एक हार्ट टचिंग मोमेंट है। और दो साल किस तरह से निकले सीरियसली पता नहीं चला। आराम से आप सब लोगों के साथ से ये सब कुछ हो पाया। बहुत दिल से शुक्रिया सभी दर्शकों का जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, और स्पेशली मेरे टीम मेंबर्स का, पूरी यंग एनर्जेटिक और पॉजिटिव टीम। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं ये काम कर पा रहा हूँ। बिल्कुल अनिल जी, मेरी तरफ से और हमारी पूरी जी बिजनेस की टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने लीडरशिप रोल लिया है यहाँ पर और चैनल को अब आप नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। आशा है कि जितने मज़ेदार ये दो साल रहे हैं आपके साथ, आगे आने वाला भी समय इससे ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और मार्केट एक्शन पर तो हमारा रोज सर फोकस बना ही रहेगा। एब्सोल्युटली, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो शुरुआती मुश्किल भरा वक्त होता है जहाँ पर आपको सिस्टम, प्रोसेस और लोग एक साथ एक डायरेक्शन में एक जगह पर लाने होते हैं, हम वो काम कर चुके हैं। ये कह सकते हैं कि रनवे बन चुका है, अब टेक ऑफ करने की तैयारी है। और इस टेक ऑफ की जर्नी में दीप, आप और हमारी पूरी टीम का जो साथ मिलेगा उसका मजा अलग ही होगा। तो मुझे लगता है कि जो बीज हमने बोया है वो पौधे की शक्ल ले चुका है और ये जल्दी एक बड़ा वृक्ष बनेगा जिसकी छाया और जिसके फल, उन सबका आनंद आपको, मुझे और हमारी पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को मिलेगा। हम समझते हैं कि ये एक और बड़ी जिम्मेदारी का वक्त है, स्पेशली जिस तरह का माहौल है देश दुनिया में। लोग हमें, हमारी तरफ उम्मीद से देखते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि हम इस मुश्किल भरे वक्त में उनका साथ निभाएं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी ईमानदारी से, दिल से, कि हम आपका साथ निभाएं। हो सकता है इस प्रोसेस में हम कुछ गलतियां करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, दिल से हम हमेशा चाहते हैं और हमेशा ये पूरी कोशिश रहती है कि हमारे दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, भला हो सके, वो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। और इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, आज के फिर शुरुआत करते हैं। सर, मैं पहले आज के अहम ट्रिगर्स बता देता हूँ, फिर दो तीन ऐसे की टॉपिक्स हैं जिस पर आपका व्यू भी ले लेते हैं। आज के सबसे बड़े ट्रिगर्स की अगर बात करें तो फिर बस एक घंटे, बल्कि अब एक घंटे से कम में प्रधानमंत्री मोदी का देश को संदेश है, उस पर बड़ी नज़र रहेगी। और अनिल जी से भी जानेंगे कि क्या क्या अपडेट्स आ सकते हैं इस संदेश में। भारत में कोरोना के लेकर चिंताएँ थोड़ी और बढ़ी हैं। ये इस हफ्ते हमने देखा है कि केसेस में एक बड़ा उछाल हुआ है। अब भारत में 2500 से ज़्यादा मामले हो गए हैं और दुनिया भर में भी अगर आप बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा मरीज दुनिया भर में हैं कोरोना के। तेल में बहुत बड़ा उछाल, ब्रेंट में 18% और नाइमेक्स में 25% का उछाल, इतिहास में सबसे ज़्यादा, अब ब्रेंट $30 के करीब। ट्रंप के एक ट्वीट के बाद आई इतनी बड़ी तेज़ी पर, क्या इसके बीच सऊदी और रशिया सच में उत्पाद काटेंगे, इस पर भी जानेंगे अनिल सिंघवी की राय। और फाइनली जो ट्रंप ने बात करी है पुतिन और सऊदी के लेकर, उसमें कितनी ज़्यादा और रिकवरी देख सकते हैं या फिर आगे जाकर चिंताएं फिर से बढ़ेंगी जहां तक तेल और एनर्जी सेक्टर का सवाल है। इन सब पर बात करेंगे और
अनिल जी, आज का तो सबसे बड़ा फोकस बस अब एक ही घंटे में आने वाला है, बाजार का एक्शन तो होगा ही नजर में, पर प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है कोरोना को लेकर, शायद लॉकडाउन को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, उस पर एक बड़ी नजर है और उस पर भी लोग सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज। देखिए, अब एग्जैक्टली प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अगर लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि प्रधानमंत्री ये कहें कि हम लॉकडाउन छोटा करने जा रहे हैं, तो उम्मीद लगाना भी गलत है और ऐसा होना भी गलत है। पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं पूरे देश भर में, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के नियमों का और ज्यादा कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। ये आपके हमारे सबके इंटरेस्ट में है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है उसमें हम अभी भी इससे बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने इस मुसीबत को दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी पहचाना है और तुरंत लॉकडाउन के आदेश दिए हैं, लेकिन लोग अभी भी इसे हल्के में ले रहे हैं, मजे में ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे छोड़कर होगा कोरोना तो किसी और को होगा, न मुझे होगा न मेरे दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को होगा। ये थॉट प्रोसेस गलत है। और दूसरी चीज ये कि अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली एक डर है तो वो बहुत बड़ी डर है। तो मैं तो ये चाहूंगा दीप कि अगर आज प्रधानमंत्री किसी भी तरह से ये न कहें कि हम लॉकडाउन को छोटा करने जा रहे हैं, और अगर इसके विपरीत वो ये कहें कि हम 15 अप्रैल के लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहते हैं और जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे, ये और अच्छी बात होगी। अगर वो ये कहें कि पुलिस अभी भी सख्त नहीं है, इससे भी ज्यादा पुलिस को सख्त होने की जरूरत है, या फिर जहां जरूरत है वहां पुलिस के बजाय अगर मिलिट्री भी लगानी पड़े, आर्मी भी लगानी पड़े, वो लगाकर हम कोरोना को रोकने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहूंगा ये आपके हमारे देश के लिए ज्यादा बढ़िया है। मुझे लगता है कि अब और ज्यादा सख्ती की जरूरत है सरकार की तरफ से। चाहे तो सरकार और भी एसेंशियल सर्विसेज को अभी तक जो फ्री कर रखा है उसे कुछ और तरीके से ज्यादा रेगुलराइज करे, ज्यादा टाइट करे, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े अब प्रतिदिन आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, अभी भी आप देखिए बड़े बड़े विकसित देश अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देश इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए कम्युनिटी स्प्रेडिंग यानी कि लोगों से लोगों में फैलने की जो एक दिक्कत है वो और भी ज्यादा बढ़ी है। और इसके लिए सरकार को जितने कड़े कदम उठाने चाहिए और देशवासियों को पूरी तरह से इस वक्त सहयोग देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं सुनना चाहता कि लॉकडाउन के पीरियड को छोटा किया जा रहा है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सुनना चाहता कि लॉकडाउन के पीरियड में रिलैक्सेशन दी जा रही है, बल्कि इसके विपरीत मैं ये सुनना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और ज्यादा गंभीरता से लोगों को इस बात को समझाएं। आप देखिए जिस तरह से मेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, एसेंशियल सर्विसेज में जुटे हुए सारे लोग अपना योगदान दे रहे हैं, अगर आप और हम एसेंशियल सर्विसेज के हिस्सा नहीं है तो क्या घर में बैठकर सिर्फ इतना सा योगदान नहीं दे सकते कि इसे फैलने से रोकें? इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा जो इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करें, जो लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश करें, उन्हें बजाय दंड देने के उन्हें ले जाकर इन सर्विसेज में लगा देना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल में लगा देना चाहिए, उन्हें इन काम में लगा देना चाहिए। आप बड़े शूरवीर बन रहे, आइए देश के लिए काम करिए। बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत है। और पिछले 4-5 दिनों में जो कुछ देश में हुआ है, जिस तरह से ये बढ़ने का खतरा हो रहा है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जितनी मजबूत, जितनी स्ट्रिक्ट और जितनी कठोरता से अपनी बात रखें उतना देश के लिए अच्छा होगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि कोई बहुत अच्छी बात सुनने की इच्छा मत रखिए, ये सुनने की इच्छा रखिए कि किस तरह से कोरोना काबू में आएगा, और अगर उसके लिए सरकार को जो कुछ भी और कड़े कदम उठाने की जरूरत है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और पूरा सहयोग सरकार को करना चाहिए। तो मैं सुनना चाहता हूं कि मोदी जी स्ट्रांगली कहे कि वो किस तरह से कोरोना को रोकने के लिए और कदम उठाएंगे। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी चिंता तो अभी यही है, और हम देख भी रहे हैं कि इस हफ्ते भारत में भी केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। आशा है कि ऐसे ही संदेश मोदी साहब से आए, बस अब 50 मिनट में वो संदेश आने वाला है। पर सर, दूसरी सबसे बड़ी बात, हालांकि हम कल बंद थे भारतीय बाजार रामनवमी की छुट्टी के लिए, पर ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी एक्शन देखा है, और सबसे ज़्यादा सर एक्शन आया कच्चे तेल में। नाइमेक्स क्रूड में 25% का उछाल इतिहास में सबसे ज़्यादा। ट्रंप साहब ने तो ट्वीट कर दिया कि देखिए मेरी रशिया और सऊदी से बात हो गई है, और दोनों ने अग्री कराया कि वो आउटपुट कट करेंगे लगभग 10 मिलियन बैरल यानी कि 1 करोड़ बैरल का, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पर डे कटौती है, ओवर अ टाइम पीरियड है, कब से शुरू होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, उसके बाद जो संकेत आ रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हमारे बीच में तो कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, हाँ आगे जाकर अगर आउटपुट कट हुआ तो हम और देशों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, पर इस समय ऐसा कुछ अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। पर ट्रंप साहब की ट्वीट की वजह से देखिए कितना बड़ा उछाल आ गया यहां पर।
मुझे समझ नहीं आता दीप कि क्यों ट्रंप साहब अपने इस तरह के ट्वीट करके अपने आप को हल्का साबित करने में तुले हुए हैं। एक के बाद एक वो बड़ी गलतियां कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में आए थे तब उन्होंने जब ये कहा, अच्छा ये ट्रेंड है ना, ट्रेड वॉर के वक्त से ही चल रहा है। ट्रेड वॉर के वक्त से कभी अच्छी खबरें, कभी खराब खबरें, कभी ये कहने के लिए कि डील के करीब है, कभी ये कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तब से उनका ये जो ट्विटर हैंडल है, तब कुछ न कुछ ऐसी अचानक से आपको खबरें भेजता है कि जिससे बड़ा रिएक्शन मार्केट में आता है। कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ दबी जुबान में बोलते हैं और अमेरिका में लोग खुली जुबान में बोलते हैं कि क्या ट्रंप साहब को मार्केट में इतना इंटरेस्ट है कि कोई न कोई ट्वीट इस तरह से डालते रहे कि बाजार ऊपर नीचे होते दिखे। ऐसे ट्वीट का क्या मतलब है जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मेरी अरब और सऊदी अरब और रूस दोनों से बात हो चुकी है और दोनों ही की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, इनफैक्ट दोनों ही तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि जैसे उन्होंने कभी कोई बात की ही ना हो। ऐसा क्या इंटरेस्ट ट्रंप साहब का हो सकता है? इंटरेस्ट साफ है, जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़ा निवेश किया है और बड़ा निवेश करने के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में अमेरिका न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी करने लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ, ये जरूर है कि हायर क्रूड प्राइसेस अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है वो कि 65-70-80 डॉलर के आसपास हो, लेकिन 25 या 30 डॉलर की क्रूड प्राइसेस भी अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जितना पैसा उन्होंने कच्चे तेल के उत्पादन में, शेल गैस के उत्पादन में डाला है, वो पैसा उनका व्यर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ट्रंप साहब शायद ये चाहते हैं कि एक लेवल के नीचे कच्चा तेल न जाए ताकि अमेरिका की इकोनॉमी पर असर न पड़े और साथ ही अमेरिका में बेरोजगारी ना बढ़े। अब वो आप टारगेट रखकर इस तरह का ट्वीट करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के ट्वीट के लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट नहीं होते, लंबा असर नहीं होता। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के तौर पर आप कहने के लिए कह सकते हैं 30% कच्चा तेल बढ़ गया, लेकिन 23 डॉलर का 30 डॉलर हो जाए तो क्या 30%? 5-7 डॉलर बढ़ना 30 डॉलर घटने के बाद, 35 डॉलर घटने के बाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसे आप एक टेक्निकल करेक्शन किसी न्यूज पर आते हुए देख सकते हैं, इनसे फंडामेंटल बदलते नहीं। एक बात बहुत साफ है और वो ये कि दुनिया भर में जो मंदी के संकेत है उसको देखते हुए सारे अरब देश और ऑयल उत्पादक देश, तेल उत्पादक देश ये जानते हैं कि जिस भाव में जितना वो कच्चा तेल निकालकर बेचते रहे ये उनके हित में है। अभी भी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बहुत ऊपर कच्चा तेल है। अभी भी एक के बाद एक कई सारे ऐसे देश हैं जो कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं या फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरब या रूस ट्रंप साहब की बातों को अनसुना कर दे, दरकिनार कर दें और उस पर भरोसा न करें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, ये गिमिक्स हैं ट्रंप साहब की जो ज्यादा लंबे समय चलने वाली नहीं है। आप देख लीजिएगा, अगर रूस और सऊदी अरब नहीं मानते हैं और ये नहीं कहते कि जो ट्रंप ने कहा वो सही है, तो कच्चा तेल आपको फिर से 25 डॉलर 23 डॉलर की रेंज में आते हुए दिख जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, इस वक्त सबको पैसों की जरूरत है, जिसके पास जो है वो बेचेगा। रूस के पास, अरब देशों के पास कच्चा तेल है, वो बेचेंगे। ट्रंप साहब के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ट्वीट करके वो अपनी इज्जत कम कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे। बिल्कुल सर, और आज सुबह हम देख भी रहे हैं कि हालांकि काफ़ी तेजी से ऊपर गए थे, बट इस समय नाइमेक्स में 5% का और ब्रेंट में 2.5% का करेक्शन भी होने को मिल रहा है। देखते हैं कितनी सच्चाई है जहां तक ट्रंप साहब की ट्वीट का सवाल है। इस समय आशंकाएं जरूर आ रही हैं कि क्या सच में ऐसी बात हुई है और क्या सच में सऊदी और रूस प्रोडक्शन कट करने वाले हैं। सर, पिछले दो दिनों में कोरोना की टेंशन भी बहुत बढ़ गई हैं। अब विश्व में 10 लाख से ज़्यादा केसेज है, अमेरिका में 2.5 लाख केसेस, यानी कि 25% टोटल केसेस अमेरिका में ही हैं इस समय, और भारत में भी अब 2,500 के पास मामले पहुंच चुके हैं। ये बड़ा शॉकिंग है दीपा कि पूरी दुनिया भर के 25% केस अमेरिका से आ रहे हैं। ये वो अमेरिका है जिसे हम दुनिया का दादा समझते हैं, जिसे हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वहां की टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है, वहां के सिस्टम, वहां के लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं। ऐसी हमारी समझ थी, अब नहीं है। जिस तरह से कोरोना को अमेरिका ने हैंडल किया, ट्रंप साहब ने हैंडल किया, ये बड़ा दुखदाई है। उन्होंने कभी इस चीज की सीरियसनेस को समझा ही नहीं। और मैं फिर से बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे लीडर, हमारा देश अमेरिका से कहीं आगे रहा है। वो अलग बात है कि हमारे देश में लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिला सरकार को जितना मिलना चाहिए, स्पेशली पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह की खबरें आई हैं, ये बड़ी परेशान और चिंता देने वाली है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो एक्शन हमने लिया है वो शायद बड़े बड़े समझदार विकसित देशों ने भी नहीं लिया। तो अमेरिका के लिए एक बड़ा लेसन है कि अगर आप अहंकार में रहते हैं कि नहीं हम तो इतने बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, हमारे यहाँ कोरोना क्या कर लेगा, तो एक छोटा सा वायरस दुनिया भर के दादा को किस
तरह से घुटनों पर ला सकता है, इसका एग्जांपल आप इस वक्त देख रहे हैं, बहुत हल्के में लिया है। और सिंपल चीज ये है कि अमेरिका की जनता की भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, वो अपने लीडर्स को फेस वैल्यू पर लेती है। और अगर ट्रंप साहब ने ये साफ कहा कि इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम देख रहे हैं, तो फिर उनके लिए लाइफ एज नॉर्मल है। और फिर ऐसे में वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोरोना का फैलना तय था। अब जब बात हाथ से निकल रही है तब अब ट्रंप साहब आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कहां कंप्लीट लॉकडाउन है। मुझे लगता है अब भी देर नहीं हुई है, अभी भी अमेरिका को अपने हिसाब से ज्यादा बेहतर, ज्यादा कड़े एक्शन लेने चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ अमेरिका में हो रहा है वो बेहद बेहद बड़ी चिंता की बात है। बेरोजगारी के आंकड़े आपने देखे, लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। पॉइंट ये है दीप कि कोरोना तो अल्टीमेटली एक दिन निकल जाएगा, जितना भी नुकसान करना है उससे, कि 25,000 लोग मरते हैं, 1,00,000 मरते हैं, 2,50,000 मरते हैं, ये किसी को पता नहीं है, जितना कम नुकसान हो उतना बेहतर है। लेकिन उसके अगर उसे ढंग से काबू में नहीं पाया गया तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे कोरोना के निकलने के बाद, जो अमेरिका पर और दुनिया भर की दूसरी इकोनॉमी पर जो असर पड़ेगा, उसे कौन झेलेगा और कैसे झेलेगा और कब तक झेलेगा, ये जो बड़े सवाल उठ खड़े होंगे कोरोना के जाने के बाद, इसके जवाब देना हर एक देश को, हर एक सेंट्रल बैंक को, हर एक सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद का जो मुश्किल भरा समय आएगा वो हमें, हम कैसे निकालेंगे, उतनी ही मुश्किल से निकालेंगे जितनी मुश्किल से ये कोरोना का समय निकाल रहे हैं। बिल्कुल सर, यही बात है कि कोरोना की जो चिंताएं हैं उसको जितनी जल्दी काबू में ला सकें वो अच्छी बात है। एक अच्छी खबर सर है, भिलवाड़ा से मैं पढ़ रहा था, अब पिछले 4 दिनों में भिलवाड़ा में एक भी नया केस नहीं मिला है। तो एक जो एपिसेंटर माना जा रहा था या एक चिंताजनक एरिया माना जा रहा था, वहां पर जो एफर्ट्स लिए हैं उसका फल जरूर आते हुए दिख रहा है। और अब भिलवाड़ा में पिछले 4 दिनों में एक भी नया केस नहीं आया जहां तक कोरोना का सवाल है। बिल्कुल, और मैं देख भी रहा था एक्चुअली, जो कुछ मैंने उनके भिलवाड़ा के जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं राजेंद्र भट्ट साहब, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी, और जिस तरह से भिलवाड़ा के प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगाया, इनफैक्ट इस मामले में मैं कहूंगा कि राजस्थान सरकार भी बेहद बेहद प्रोएक्टिव रही है, और उन्होंने जिले की सीमाओं को सील किया, पूरा कर्फ्यू लगाया, और उसके बाद वहां के लोगों ने जिस तरह से कोऑपरेट किया वो काबिले तारीफ है। ये एक एग्जाम्पल है कि आप कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने के बावजूद किस तरह से इसे काबू में ला सकते हैं। अगर प्रशासन एकदम सही तरीके से काम करे, लोग उसमें सपोर्ट करें, तो कोई बड़ी बात नहीं कि फैलने के बाद भी रोका जा सकता है। तो अगर पिछले 4-5 दिनों में हम देशभर में कुछ मुसीबत देख रहे हैं जहां कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा है, तो साथ ही हमारे लिए एग्जाम्पल भी है भिलवाड़ा या फिर और दूसरे कई जगह, कि किस तरह से आप अपनी मजबूती के साथ, विल पावर के साथ, डिसिप्लिन के साथ सरकार और प्रशासन को सहयोग दें, पुलिस को सहयोग दें, तो आप इसे काबू में ला सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने यहां मुसीबत होने के बाद उससे सीखें, आपको सीखना चाहिए भिलवाड़ा से या किसी और जिले से जहां पर इस तरह की चीजें होने के बाद उसे बेहद असरदार तरीके से काबू में लिया गया। तो ये 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 बुरी खबरों के बीच में अच्छे एग्जाम्पल हैं जो मुझे लगता है देश में सबको फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल सर, तो आशा यही है कि जिस तरह से वहां पर कंट्रोल में लाया गया है बाकी एरियाज में भी ऐसा ही फल हो। नजर है प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर, 40 मिनट में आपके स्क्रीन पर आएगा सर। तब तक आज के सेटअप की बात कर लेते हैं, जहां तक आज के सेटअप का सवाल है, ग्लोबल अब न्यूट्रल से वापस नेगेटिव हो गया सर? जी हाँ, बिल्कुल ग्लोबल नेगेटिव है, कोई अच्छी खबर मुझे दिख नहीं रही। एफआईएस की तरफ से न्यूट्रल है, घरेलू फंड पॉजिटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड नेगेटिव की तरफ है। आज की बड़ी सपोर्ट जोन दे दूं दीप मैं आपको, निफ्टी पर 7,500-7,700 आपको दूर नजर आएगा, लेकिन चूंकि 8,250 के आसपास हम बंद हुए हैं, और अगर आज हफ्ते के आखिरी दिन एक नेगेटिव क्लोज होता है तो नीचे की रिस्क फिर से खुलती हुई दिख रही है। तो आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मेक और ब्रेक वाली। आज हमें एक नेगेटिव क्लोज नहीं चाहिए, भले आप 5-10-15 पॉइंट से ही ऊपर बंद हो, लेकिन ऊपर बंद होना आज बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आज आप नीचे बंद होते हैं तो फिर से आप 7,500-7,800 की रेंज में जाने की तैयारी कर सकते हैं, ये रिस्क खुल रही, इसलिए मैंने बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन आगे वहां रखा है। दूसरा 7,850-8,050, ये दो बड़ी रेंज है। अब इस रेंज में हम कहां सपोर्ट लेंगे, क्या कुछ होगा, ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी किस तरह की बात आज रखते हैं। बैंक निफ्टी 16,900
17,100 ये बड़ा मजबूत सपोर्ट जो है नीचे की तरफ काफी दूर है यहाँ से, लेकिन उसके ऊपर 17,800-18,000 जो बेहद नजदीक का सपोर्ट जोन है, ये लेवल रुका तो ठीक, नहीं तो सीधा 700-800 पॉइंट नीचे की जगह बैंक निफ्टी में खुलती हुई नजर आती है। ऊपरी स्तरों पर जो परफेक्ट सेल जोन है निफ्टी के लिए 8,500-8,650 ये ब्लाइंड सेल जोन है दीप, यहाँ आए तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, जितना 8,650 के नजदीक आप बेच पाएंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना मजबूत रहेंगे। आई डोंट नो वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आए तो बेचने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। 18,400-18,800 बैंक निफ्टी पर ऊपरी लेवल का सेल जोन है, यहां पर आपको मौका मिले तो जरूर बिकवाली करनी चाहिए। ओके सर, ये है आज के जहां तक रेंज है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। ये जो बड़ी रेंज है सर, ये आपको लगता है कि आज वैसी वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि इस पर एक वॉलेटिलिटी का भी मेरा सवाल बन रहा है सर, थोड़ी हमने गिरती हुई देखी है ग्लोबल मार्केट्स में और भारतीय मार्केट्स में, तो ये जो एक थोड़ी बड़ी रेंज दी है, क्या इसकी अब संभावना ज्यादा लग रही है सर या कम लग रही है? देखिए आज का सेशन है ना, थोड़ा बड़ी रेंज की संभावना बन रही है दीप, उसकी दो रीजन है, एक तो ये कि सेंटिमेंट खराब है और दूसरा ये कि लंबा वीकेंड है, 3 दिनों की छुट्टी है, 3 दिनों की ऐसी लंबी छुट्टी के पहले किसका कॉन्फिडेंस है कि तेजी की पोजीशन आप लेकर जाएं। फिर भी मैं अपने कमेंट्स इसलिए रिजर्व रखूंगा कि 9 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद काफी कुछ आइडिया लगे, लेकिन एक तरह से अगर प्रधानमंत्री जी के संदेश को न्यूट्रल मान के चलूं कि मुझे नहीं पता वो अच्छा कहेंगे खराब कहेंगे, बाजार के लिए जो भी कहे, देश के लिए तो अच्छा कहेंगे लेकिन बाकी मार्केट उसे कैसे लेता है वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी भी आपके पास एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप ये सोचे कि मुझे 3 दिनों के लिए तेजी की पोजीशन लेनी है, इसलिए बड़े मुंह की रिस्क खुल जाती है, नीचे की तरफ का रिस्क खुलता है। तो आज के लिए जो दिन की रेंज है 8,150-8,350 आज के दिन की छोटी रेंज है, 100-100 पॉइंट दोनों तरफ, 8,050 से लेकर 8,500 ये मीडियम रेंज है आज की बाजार की, और बड़ी रेंज अगर लेना चाहें तो 7,850 से 8,650 की एक बड़ी और एक्सट्रीम रेंज लेकर आप चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 17,900-18,400 ये आज की छोटी रेंज मानकर चलिए, 17,500 से 18,500 ये 1,000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर दिन के लिए मीडियम रेंज का काम करेगी, एक्सट्रीम रेंज सबसे बड़ी अगर आप लेना चाहें तो 17,100 से 18,800 तक की बैंक निफ्टी के लिए बनकर आती है दीप। ठीक है सर, अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो सर उन्हें क्या करना चाहिए आज? इंट्राडे में स्टॉप लॉस आप 8,000 का रखिए, 250 पॉइंट दूर है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 8,250 का, यानी कि अगर आज एक और नेगेटिव क्लोज आपको मिल जाती है 2-5-10 पॉइंट से भी मिले तो भी आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। बैंक निफ्टी पे 17,800 इंट्राडे बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस, इसके नीचे जाए तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए, और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होगा 18,200 का, यानी कि अगर आज जहां बंद हुए हम 18,208 पर ही बंद हुए, वहां से अगर 5-15 पॉइंट भी नीचे बंद हो नेगेटिव क्लोज मिले तो एग्जिट कर लीजिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 8,350 आपका दिन के लिए स्टॉप लॉस है, यहां से 100 पॉइंट ऊपर अगर इसके ऊपर निकले तो शॉर्ट एक बार काट लीजिए, 8,600 आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस काफी दूर है, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर निकलकर आ रहा है, यही पोजीशन है इस वक्त। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस आपको 18,500 पर लगाना चाहिए, और 18,800 के ऊपर अगर आज बंद होता है तो ही आपको शॉर्ट पोजीशन काटनी चाहिए, यह आपके लिए स्टॉप लॉसेस है। ठीक है सर, नई पोजीशंस लेनी हो तो निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 8,375-8,575, ये 200 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सेल जोन है, इस रेंज में जहां आपका मन करे, अगर आपको एक ही लोट बेचना है तो 8,575 का इंतजार करें जो कि आएगा नहीं, और अगर आपको ज्यादा बेचने हैं तो 8,375 से शुरू हो जाइए, 8,500 पर और बेचिए, 8,575 पे और बेचिए, टुकड़ों टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह भी कि अगर आप एक बार शुरुआत में गिर जाएं और गिरने के बाद कितना रिकवर होते हैं तो फिर आप 8,375 से भी बेचना शुरू कर सकते हैं, तो बेचना है ये बात क्लियर है। स्टॉप लॉस 8,700 का वेल डिफाइंड है, 8,250, 8,050, 8,000 और 7,850, ये 4 टारगेट आपको नीचे की तरफ रखने हैं निफ्टी के लिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए पहले 3-4 कंडीशंस पूरी करनी है, उसके बाद ही खरीदना है, और ये 3-4 कंडीशन दीप ये है, आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो खरीदें पहला, दूसरा या तो आप ट्रेडिंग स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो ही खरीदे, ताकि आपको फास्ट मूवमेंट में घूमना आना चाहिए कि जल्दी से आप अपना ट्रेड घुमा लें, तीसरा स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं, चौथा
बेहद छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, और पांचवा सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करें। अगर ये आप पांच कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं तो 8,000-8,050 में आप निफ्टी खरीदिए। स्टिक स्टॉप लॉस 7,950 का होगा, ऊपर की तरफ 8,200-8,250-8,300 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं तेजी। ये आपके लिए निफ्टी पर राय। ठीक है, तो यहाँ पर डिप का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप खरीदारी कर रहे हैं निफ्टी में, और वो भी सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी के लिए सर, बैंक निफ्टी में बेचना है आपको 18,400 से 18,800 की रेंज परफेक्ट है, जहां पर आपको 18,400 में भी बेच सकते हैं, 500 में बेच सकते हैं, 600 में बेच सकते हैं, 700 में बेच सकते हैं, 800, हर 100-100 पॉइंट पर बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ सेल लेवल है। तो आप कितना बेचना चाहते हैं उस हिसाब से आप उछाल देखकर बेच सकते हैं कि आपको इनिशिएट कहां पर करना है, 18,400 से करना है या 18,800 से करना है। पॉइंट नंबर वन, 19,000 स्टॉप लॉस है, 18,200 आपका पहला टारगेट होगा, 18,050 दूसरा टारगेट होगा, 17,850 और 17,500 ये दो और टारगेट। बैंक निफ्टी पर मैंने राय दी नहीं है खरीदारी करने की, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है नहीं। आपको याद होगा लगातार हम जब भी रिकवरी की बात कर रहे हैं तब भी हमने एक ही चीज कही कि रिकवरी होगी, लेकिन इस रिकवरी में आपको न बैंक्स खरीदने हैं न एनबीएफसी खरीदने हैं। और आप देखिए इतनी बेहतरीन रिकवरी के बाद भी ये अभी भी 7,500 का निफ्टी जिस दिन था 23 मार्च को, उससे भी 24 मार्च को उससे भी नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा माहौल निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में खरीदने की राय भी नहीं दे रहा, और निफ्टी में भी आपको मैंने खरीदने की राय दी तो 5 कंडीशन लगा के दिए। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि लेने के मूड में रहना नहीं है। हरे निशान में आने दीजिए, ऊपर आने दीजिए, आपको बेचना है। फिर से याद दिला दूं, उस दिन काफी लोग कह भी रहे थे जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी थी, हमने कहा पॉलिसी के बाद टॉप बन जाएगा, डाओ भी टॉप बना देगा, आप बेच दीजिए निकल जाइए। तब सबको ये लग रहा था कि 4 दिन से तेजी हो रही है, हम क्यों मंदी की बात करें। आप देख लीजिए वहां से आप कहां पर हैं। बहुत सिंपल है, बेयर मार्केट में इस तरह की तेजी की रैली बनेगी उसमें एग्जिट करना है, निकलना है, नहीं फंसना है। लेने के बारे में ज्यादा बहुत सोचिए मत। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं लेने के ट्रेड नहीं देता, मैं लेने के ट्रेड देता हूं, लेकिन लेने का ट्रेड आपका इंट्राडे में ट्रेड हुआ, बात खत्म। ओवरनाइट तेजी की पोजीशन नहीं रखनी है, आप तेजी के मूड में रहिए ही मत। बीच बीच में कभी कोई ऐसी वी शेप रिकवरी आई, रैली आई, उसको खेल कर निकल जाइए। अगर आप लेकर बैठे रहेंगे तो अभी भी मुश्किल है। इसलिए अभी भी जो लोग इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कब लेना है कब लेना है, तो मैं फिर यही कहूंगा, शांति रखिए, आराम से बैठिए, देखिए मूड माहौल को, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं बाजार भागे नहीं जा रहे हैं। अगर सारी समस्याएं ठीक हो भी गई तो कोरोना के साइड इफेक्ट्स, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स इकोनॉमी पर जो पड़ेंगे, नौकरियों पर पड़ेंगे, बिजनेस पर पड़ेंगे, कारोबार पर पड़ेंगे, टैक्स पर पड़ेंगे, सरकार पर पड़ेंगे, आप पर पड़ेंगे, मुझ पर पड़ेंगे, सब पर पड़ेंगे। इसलिए कोई जल्दी नहीं, बाजार कहीं भाग कर नहीं जा रहे हैं, आराम से सबको अपने अपने भाव से खरीदने का मौका मिलेगा और उसका इंतजार करें। ट्रेडर्स, उछाल में नहीं फंसना है, इन्वेस्टर्स लेने के लिए इंतजार करना है, बस आराम से बैठिए। ठीक है सर, आराम से बैठते हैं। बैंक निफ्टी पर आपको आज खरीदारी की रेंज नहीं है, राय नहीं है, पर हाँ सेलिंग करनी है तो कर सकते हैं। विक सर 7% गिरा है, पीसीआर 1.25, यहां से कोई संकेत? अच्छी बात है दीप की विक्स में कमी आती हुई दिख रही है, ये थोड़ा कंफर्ट देने वाली बात है, क्योंकि अल्टीमेटली वॉलिटिलिटी इंडेक्स कम होगा तो रेंज थोड़ी कम होगी, उस तब मैं थोड़ा ट्रेड बाय साइड पर भी दे पाऊंगा। क्योंकि अभी क्या है कि आप 80 के विक्स पे 75 के विक्स पे कैसे बाय ट्रेड देंगे, आप एक बात समझिए, इतनी रिस्क है, गैप से इतना ज्यादा, कम से कम अब आपको एक चीज है कि पिछले 3-4 दिनों में जब हम कह रहे कि अब आपको वॉलिटिलिटी कम होती दिखी है, वॉलिटिलिटी कम हो तो है ना मार्केट सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करता है, वहां से ऊपर आने की कोशिश भी करता है और एक ट्रेड आपको देता है। तो मैं आपको इंट्राडे में कभी कभी जो भी ट्रेड ऐसे मिलेंगे तेजी के वो मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई तेजी के ट्रेड के अगेंस्ट में हूं, मुझे ट्रेड पसंद है, तेजी का हो या मंदी का हो, क्लियर कट ट्रेड मिलना चाहिए। तो जब जब आपको नीचे का ट्रेड भी मिलेगा देंगे, तो विक्स जो नीचे आ रहा है वो थोड़ा कंफर्ट दे रहा है कि ओवरनाइट वॉलिटिलिटी भी कम हो रही है, दिन के दौरान का उतार चढ़ाव भी कम हो रहा है, और कभी कभी आपको बीच में निचले स्तर पे इंट्राडे में खरीदारी का मौका मिलेगा, तो उसे पूरी तरह से ट्रेड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर एक चीज और कहना चाहता हूं यहां पे, ये कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि या तो आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रहें या टीवी स्क्रीन के सामने रहें। अगर आप सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर पोस्ट पढ़कर ट्रेड करने की कोशिश करें तो ये मार्केट वैसा नहीं है। वन साइडेड तेजी के मार्केट में आप एक बार ट्विटर पर पोस्ट पढ़कर या वहां पर कमेंट पढ़कर आप ट्रेड कर लें, पैसा बन जाए,
कई अलग चीजें, ये बिल्कुल अलग तरह के मार्केट है, वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप के मार्केट है, जहां पर हर एक कोरोना की खबर के साथ, हर एक सरकार के सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट के साथ बाजार ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करें तो ये फुल टाइम जॉब है, और जाहिर सी बात है वैसे भी वर्क फ्रॉम होम के अलावा बाकी सब लोग तो कुछ काम कर नहीं रहे, तो अगर जिन्हें ट्रेड करना है तो उन्हें पूरी तरह से स्क्रीन पर रहना होगा, अदरवाइज ट्रेड ना करें, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। बिल्कुल बहुत रिस्की है, तो ध्यान से ट्रेड करें, अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तभी कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लें, वरना फिर अवॉइड करें। कोई स्टॉक सर एफएनओ बैन में नहीं है, पर जो एफआई के क्यूज हैं वो अभी भी न्यूट्रल हैं और डीआईएस पॉजिटिव है सर, एफएनओ भी अभी आपने न्यूट्रल ही रखा है? दीप कहां से बैन में आएगा, पोजिशन बनाने की ताकत कहां बची है किसी के, इतने मार्जिन बढ़ गए हैं, आधे से ज्यादा ब्रोकर रिटेल वाले तो काम नहीं कर रहे हैं, ट्रेडर्स अगर ब्रोकर काम करना चाहें तो ट्रेडर्स के पास पैसे हैं नहीं, तो नहीं के बराबर का कारोबार है, तो जाहिर सी बात है बैन में जाना बहुत मुश्किल है। अब आइए आप जो एफआईएस के आंकड़ों की बात करें, एफआईएस के आंकड़े न्यूट्रल से नेगेटिव साइड रख सकते हैं, आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, वैसे न्यूट्रल कहें नेगेटिव कहें एक ही बात है, इनफैक्ट और घरेलू फंड के भी मैंने गलती से पॉजिटिव लिख दिया, वो भी न्यूट्रल साइड पर है। 1117 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईएस ने और 1200 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, यानी कि दोनों ही तरफ बिकवाली का आंकड़ा है, जो कि एक तरह से आप नेगेटिव मान कर, घरेलू फंड ने 450 करोड़ की बिकवाली की है, मैं इसे न्यूट्रल मानकर चल रहा हूं नेगेटिव के बजाय, कि चलिए एक दिन की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन आप देखिए चिंता की बात है कि एफआईएस और घरेलू फंड दोनों ही अगर बेचने के मूड में आए और ट्रेडर्स को तो खरीदना है नहीं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको हम खरीदने दे नहीं रहे, तो ऐसे में खरीदेगा कौन, ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये आंकड़े अगर एक ही दिन के हैं तब तो ठीक, लेकिन दीप अगर ये आंकड़े आज दोहराए जाते हैं तो फिर आप 7500 पर फिर से पहुंच रहे हैं। अगर आज के आंकड़े, ध्यान से सुनिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अगर आज के आंकड़े आपको परसों जैसे ही आंकड़े दिखे, जहां कैश में और वायदा कारोबार में दोनों में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हो और जहां पर घरेलू फंड की भी खरीदारी ना आए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, फिर आप फिर से अगले हफ्ते में 7500 की तरफ बढ़ रहे हैं, और भगवान न करे इस बार 7500 टूटे, अगर 7500 टूटे तो इस बार जो नुकसान होगा वो पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो सकता है। तो ये आंकड़े बेहद बेहद अहमियत वाले हैं, मैं एक दिन के आंकड़ों से निर्णय नहीं लेना चाहता, डिसाइड नहीं करना चाहता कि एफआईएस भी बेच रहे हैं और घरेलू फंड भी बेच रहे हैं, एक दिन के आंकड़ों में बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहिए, लेकिन आंकड़े कॉन्फिडेंस नहीं देने वाले हैं, ये बात साफ है। ओके सर, कॉन्फिडेंस देने वाले नहीं है, ये बात साफ आ रही है। क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं सर फिर इन आंकड़ों को देख के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? 8000 आखिरी उम्मीद है दीप आपकी, 8000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में 31 लाख शेयरों का वीकली और मंथली सीरीज मिलाकर, तो 8000 के ऊपर जब तक है तो 8000-8050 आपके लिए आखिरी उम्मीद का लेवल है, 8500 आपसे पार नहीं होगा, 8500 के पुट और कॉल दोनों पर 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो रुकावट का लेवल है, तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे 150-200 पॉइंट का मूव आपको और आता हुआ दिखेगा, 8500 के ऊपर निकले 8650, 8500 के 8000 के नीचे फिसले 7850 के आसपास, ये है आपके लिए लेवल। ठीक है सर, और बैंक निफ्टी के लिए? कुछ नहीं, लेवल ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है, 1.5 लाख शेयर से ज्यादा किसी भी लेवल पर ओपन इंटरेस्ट है नहीं, एंजॉय कीजिए बिना पोजीशन के, किधर भी जाएगा इसकी जहां मर्जी होगी उधर जाएगा। ओके सर, ये 2 साल का सर एनिवर्सरी गिफ्ट है या फिर एक नई चीज है? मेरे ख्याल से लगभग 2 महीने बाद आज एक स्टॉक ऑफ द डे भी आपकी तरफ से मिल रहा है, तो पहले तो बिगुल बजाते हैं स्टॉक ऑफ द डे को, फिर जानते हैं कि आज इतने लंबे समय बाद अनिल जी के स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है, बताइए सर। सर एनिवर्सरी गिफ्ट आपकी तरफ से दीपा, आमतौर पर इसलिए मैं नहीं दे रहा एक स्टॉक ऑफ द डे, कि अगर मैं स्टॉक ऑफ द डे दूं वो सीधा 5-7% नीचे खुले और फिर आप कुछ कर ना पाए तो ऐसा लगेगा कि क्या फायदा, मतलब खाली मैं वो प्रोमो बनाने के लिए और ये बताने के लिए देखिए जी मैंने कहा था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, एक्शनेबल ना हो तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन आज मुझे एक एक्शनेबल ट्रेड दिख रहा है जो बुधवार को हमने कल के 2000 में भी दिया था, और वो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फ्यूचर्स बेचने की राय है, और यहां पर आप
187 के आसपास फ्यूचर्स इसके बंद हुए, 187 से 195, ये 7-8 रुपए की रेंज है। इस रेंज में आराम से बेचिए, ये पोजिशनल ट्रेड है और अच्छा ट्रेड है। मैं इसलिए आपको पोजिशनल ट्रेड के तौर पर दे रहा हूँ कि ये एक बढ़िया ट्रेड है जो आप पोजिशनल बेसिस पे आराम से धीमे धीमे 187 से 195 इस रेंज में बेचिए। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ दीप, स्टॉप लॉस थोड़ा मेरा दूर है 200 रुपए का। जब तक ये 200 रुपए के ऊपर बंद ना हो तब तक ये परफेक्ट सेल है। नीचे की तरफ छोटे टारगेट आपको 180 और 175 के रखने हैं। लेकिन अगर बाजार खराब हुआ और मार्केट यहां से गिरा तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट 155 रुपए का निकल कर आता है। और सरप्राइज हो सकता है आपको, लेकिन आप वो देखिए किस लेवल पर हमने बंधन, किस लेवल पर हमने इंडसइंड, किस लेवल पर हमने आपको आरबीएल बैंक शॉर्ट करने की राय दी थी, किस लेवल पर एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस बेचने की राय दी थी। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो एसबीआई अगर यहां से 25-30 रुपए गिर जाए बाजार के साथ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी देखिए बाजार जिन लेवल पर है दोनों ही तरफ की रिस्क हमेशा रहती, तो 200 के ऊपर जब बंद होता दिखे तो आप स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए। लेने की कोशिश ना करें, ध्यान क्लियर रखें कि ऊपर आए तो मुझे बेचना है, बस आपको डायरेक्शन क्लियर है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बेचना कब और कहां है। ओके, तो एसबीआई पर बिकवाली की राय है, आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे, रैली दिखे तो घबराइए नहीं, ऊपरी स्तरों पर भी बेचना है। बल्कि पहली तारीख को, दो दिन पहले, अनिल जी ने सुबह आज के 2000 में एसबीआई पर कॉल भी दिया था और उस दिन पहला टारगेट आ ही गया था 185 का, और उसके बाद लोअर लेवल्स पर भी जा रहा है, और अब भी हम देखें तो यहां से भी गिरने की संभावना। एक बार बता देते हैं आपको परसों क्या बताया था। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है और बैंक्स और एनबीएफसी हम लगातार कह रहे हैं आपको कि ये खरीदना ही नहीं, कुछ भी हो जाए और आराम से यहाँ पर बेच कर चलिए। स्टॉप लॉस में आपको 200 रुपए का दूंगा, एक जहाँ पर भी जब भी उछाल दिखे आप आराम से बेचिए, जब तक 200 रुपए के ऊपर क्लोज ना दें। ये शॉर्ट है, बिकवाली ही है डेफिनेटली, इसमें कोई निश्चिंत होकर बिकवाली करिए। नीचे की तरफ 185, 180, 178 ये तीन टारगेट आप लेकर चलें जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है। एसबीआई की शॉर्ट कॉल आई थी आज सुबह जो दी थी, उसका पहला टारगेट आ गया है 185 का, तो वो तो हिट हो ही गया है। अब आपने जो दूसरे टारगेट दिए थे 180 और 178, वो आने की तैयारी में है। एसबीआई का कॉल परसों भी सुपर हिट रहा और आज आपको स्टॉक ऑफ द डे में भी दिया गया है। अब जान लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे। हमारे साथ मानसी हैं ट्रिगर्स और स्टॉक्स बताने के लिए, साथ ही पूजा भी हैं, कुशल हैं जो फंड एक्शन और स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, और साथ ही देवांशी हैं जो पूरा ब्रोकरेज एक्शन हमें समझाएंगी। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स में आरबीआई टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट के जरिए सिस्टम में नकदी आज डालने जा रहे हैं, और आपको बता दें 25,000 करोड़ की नकदी डालने का ये जो पूरा प्लान है उसका सेकेंड ट्रांच सिस्टम में आज डाला जाएगा। इसके अलावा ऑटो नंबर्स 1 तारीख को आए और तमाम नंबर्स जो है अनुमान से कमजोर ही आते हुए देखने को मिले हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स की अगर बात करें, अनुमान से कमजोर नंबर्स थे, मार्च में कुल बिक्री 84% तक घटकर देखने को मिली। वहीं कमर्शियल व्हीकल की बिक्री अगर बात करें तो 87% की गिरावट यहां पर भी देखी गई है, और साथ ही पैसेंजर व्हीकल में भी 68% की गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटो कॉर्प अनुमान के मुताबिक नंबर्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर नंबर्स को समझें तो वीक नंबर्स ही हैं। मार्च में कुल बिक्री 42% घटती हुई दिखी है, जबकि 41% का हमारा अनुमान था, और साथ ही एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर 35% तक की कटौती देखने को मिली है। आइशर मोटर्स अनुमान से कमजोर रहे, 87% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे, जबकि मोटरसाइकिल बिक्री में 41% की गिरावट देखने को मिली है। टीवीएस मोटर्स मार्च में कुल बिक्री 56% गिरती हुई दिखी है, 41% का हमारा अनुमान था, और अतुल ऑटो में कुल बिक्री जो है 75% से 76% तक घटकर 1,090 यूनिट की तरफ जाती हुई देखने को मिली है। ओके, तो ऑटो सेल्स तो सभी लेवल्स पर खराब रही हैं, और टाटा मोटर्स पे हमने एक रेटिंग डाउनग्रेड भी देखा है मूडीज की तरफ से, तो उसका भी रिएक्शन आएगा। और साथ ही टाटा मोटर्स ने ये भी कहा है कि अब आगे जाकर अप्रैल महीने से वो अपनी ऑटो सेल्स रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे जिस तरह से मंथली अपडेट्स आ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स पर तो काफ़ी सारी खबरें हैं, पर पूजा आप बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं आज। जी, जुबिलेंट फूड और आईटीसी, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि जुबिलेंट फूड ने आईटीसी के साथ करार कर लिया है और COVID-19 में एसेंशियल फूड डिलीवरी के लिए ये करार किया गया है, तो आज इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। इसके अलावा एम्फेसिस, इसमें भी एक्शन देखने की उम्मीद है, क्योंकि ब्लैकस्टोन ने कंपनी में निवेश किया है, करीब 525 करोड़ का निवेश किया है, और इसके जरिए करीब 4% हिस्सेदारी अपनी बढ़ा भी दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट में जो ब्याज दरें हैं वो घटा दी है, ब्याज दरें
एवरेज 3.5% से घटाकर 3.25% की दी है। तो आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखिए। इसके अलावा स्ट्राइड्स और सोलारा एक्टिव फार्मा जैसी फार्मा कंपनी आज फोकस में रहेगी, क्योंकि यूएस एफडीए ने यूएस में वेनिटडाइन दवा को तुरंत प्रभाव से हटाने को कह दिया है और ये सभी दवा बनाने वाली कंपनियों को रिकॉल करने का निर्देश दिया है। इस वजह से स्ट्राइड्स और सोलारा एक्टिव फार्मा जैसी कंपनियों पर आज आप नजर रखिए। इसके अलावा कुछ प्रमोटर्स की तरफ से भी खरीदारी और बिकवाली हुई है। शोभा की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने करीब 1.13 लाख शेयरों की का अधिग्रहण किया है और ये जो खरीदारी है ये 30 और 31 मार्च के आसपास की है। इसके अलावा नौसल पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी प्रमोटर्स की तरफ से अधिग्रहण हुआ है करीब 5 लाख शेयर्स का और 30 से 31 मार्च के बीच प्रमोटर्स की तरफ से यहां पर भी खरीदारी हुई है। महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव, यहां पर भी प्रमोटर्स ने करीब 1.25 लाख शेयर्स का अधिग्रहण किया है कंपनी में। और आखिर में बात करते हैं जेएमसी प्रोजेक्ट्स की। प्रमोटर्स कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ने कंपनी के करीब 6 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं और जो खरीदारी है 31 मार्च को की गई है प्रमोटर्स की तरफ से। ओके, तो ये कुछ खबरें और फंड एक्शन है। ऐसी ही कुछ खबरें कुशल के पास भी है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो सबसे पहले आप औरोबिंदो फार्मा पर फोकस रखिए, यहाँ पर नेगेटिव डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। सैंडोस के साथ इन्होंने जो करार किया था अधिग्रहण का वो तोड़ लिया है इन्होंने, क्योंकि यूएस में जो एफटीसी है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उनकी तरफ से मंजूरी मिलने में इस करार को देरी हुई है। इसके साथ ही ये जो डील है ये करीब 7600 करोड़ की ओवरऑल कैश डील होने वाली थी और मार्च महीने में ये अधिग्रहण पूरा करने का गाइडेंस दिया था कंपनी ने। साथ ही अदानी पोर्ट्स और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आज आप नजर रखिए। अदानी लॉजिस्टिक्स जो अदानी पोर्ट्स की सब्सिडियरी है, उसने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में करीब 26% हिस्सेदारी जो है खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इनफैक्ट ये जो डील हुई है ये 44 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अधिग्रहण किया गया है और गेटवे डिस्ट्रीपैक से करीब 40.25% हिस्सेदारी जो है ये खरीदने की चर्चा थी और 31 मार्च तक ही कंप्लीट होने की बात थी। साथ ही अदानी पोर्ट्स का बिजनेस अपडेट भी है। उन्होंने कंपनी ने कार्गो वॉल्यूम्स जो है वो सालाना आधार पर 7% इनके बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके अलावा ONGC पर नजर रखिए, यहाँ पर मूडीज ने इनके जो कर्ज की रेटिंग है उसको Baa2 से घटाकर Baa1 कर दिया है। साथ ही टाटा पावर पर फोकस रहेगा आज, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो इनका JV है सिनर्जी नाम का, उसमें करीब 50% हिस्सेदारी जो है इन्होंने बेच दी है और उसके बदले इनको 660 करोड़ रुपए ये हिस्सेदारी बेचकर मिलेंगे। और अंत में RBL बैंक पर नजर रखिए, यहाँ पर बैंक ने एक्सचेंजेस पर जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है और वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो एसेट क्वालिटी है और लिक्विडिटी पोजिशन है वो स्टेबल है। साथ ही Q4 में जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहने वाली है वो काफी अच्छी रह सकती है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इनके उच्चतम स्तर पर रह सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ खबरें कुशल की तरफ से। RBL बैंक इस पर जरूर नजर रहेगी, हालांकि अपडेट अच्छा है पर स्टॉक में हमने देखा है काफी परेशानियां रही हैं। अब देख लेते हैं कि ब्रोकरेज एक्शन किधर है। बिगुल बजाते हैं FIR का। गुड मॉर्निंग देवांशी, सबसे पहले तो बताइए भारतीय बाजारों पर और सेक्टर्स पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज इंटरेस्टिंग है CLSA की रिपोर्ट, क्योंकि हमने आपको चैनल पैनल जी ने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी बाजार में जो बॉटम फॉर्मेशन है वो नहीं बनी है। आज CLSA की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। भारतीय बाजार पर इनका कहना है कि पिछले 30 सालों में अगर देखें तो ये 5वीं बार निफ्टी में 40% से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन पिछली 4 बार में जो ऐसी गिरावट हुई है उसको 10 से 27 महीने लगे थे। इस बार हमने ये जो गिरावट है वो केवल 3 महीने में देखी है, लेकिन अभी भी बॉटम फॉर्मेशन के संकेत फिलहाल आते हुए नहीं दिखे हैं। तो इसलिए जो वॉलिटालिटी अभी भी जारी है और कॉशियस रहने के संकेत CLSA की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आज फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा एक्शन में है। जेफरीज की आज रिपोर्ट आई है फार्मा सेक्टर पर। यूएस एफडीए ने जो रेनिटिडिन दवा पर रोक लगा दी है यूएस में, इसके चलते जो बैन है उसमें स्ट्राइड्स पर सबसे ज्यादा असर आता हुआ दिखेगा। FY21 के कामकाज मुनाफे में 9 से 10% तक का असर आता हुआ दिख सकता है। साथ ही इनका ये मानना है कि भारत में अगर बैन होता है तो जीबी केमिकल्स को सबसे ज्यादा असर या नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। साथ ही इनका ये मानना है कि लूपिन की एक जो दवा है मेटाफॉर्म, इसमें भी थोड़ी सी मिलावट पाई गई थी, इसके चलते अगर USFDA इसको बैन करता है अगर तो इस पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर बिक्री का 3% की जो दवाई बिक्री का जो 3% हिस्सा है वो इस दवाई से आता है। और साथ ही फार्मा सेक्टर पर आज मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है, जहां पे इन्होंने सिप्ला की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अच्छी खबर आती हुई दिखी है कंपनी के लिए एडवर जो उनकी एक दवा है
इनके क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 को मंजूरी मिल चुकी है, पूरा हो चुका है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि 22,000 करोड़ तक का जो मार्केट है इस दवाई का है यूएस में, तो ये पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखिए एफआई 2021 में सेक्टर की ग्रोथ में 28% की ग्रोथ का अनुमान है और साथ ही एफआई 21 में 17% की ग्रोथ का अनुमान लगा के चल रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लेनमार्क को भी मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड कर दिया है, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 186 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। सन फार्मा और वेट रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 450 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। बायोकॉन में भी और वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 327 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। साथ ही आज ऑटो सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, मार्च महीने में वॉल्यूम्स पर भारी असर आते हुए दिखी है, अप्रैल महीने में वॉल्यूम में और ज्यादा गिरावट की आशंका कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी जो मुश्किलें होंगी वो बरकरार रहती हुई दिख रही है, मारुति और बजाज ऑटो पर खरीदारी की राय इनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। और आखिर में आज गोल्डमैन सैक्स की बैंक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है, जहां पर उनका मानना है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर उनकी खरीदारी की राय है, और जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं FY21 और FY22 इनके आय के अनुमान में करीब 22% और 15% के अनुमान में कटौती की है इन्होंने। ओके, तो एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई पर चिंताएं रहेंगी। ऑटो स्टॉक्स फोकस में हैं और फार्मा के लिए खबरें उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। स्टॉक्स के बारे में देवांशी बात करें तो फिर कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे? बिल्कुल, आज देखिए सबसे पहले जो रिपोर्ट आती हुई देखिए वो अरबिंदो फार्मा पर है, जो नेगेटिव खबर है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, रेटिंग डाउनग्रेड कर दिए इन्होंने, न्यूट्रल से रेटिंग को अब अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य भी इन्होंने घटा दिया है, 450 से घटाकर अब 345 ये नए टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। सैंडोज डील में काफी फायदे की उम्मीद थी, करीब 10% की ईपीएस बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था सारे एनालिस्ट का, अब वो होता हुआ नहीं दिखेगा। स्टॉक पे अब यूएस एफडीए की जांच का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो यूनिट 7 में ओआई जारी किया है यूएस एफडीए ने उससे ज्यादा चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। जेपी मॉर्गन ने भी डाउनग्रेड कर दिया है और रेट से बदलकर अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 730 से घटाकर केवल 450 तक के लक्ष्य अब दे रहे हैं। जेएसपीएल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, 195 के नए टारगेट्स दे रहे हैं और इनका मानना है कि कंपनी एक्सपोर्ट बिक्री करने में सक्षम है, पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। और साथ ही बजाज फाइनेंस पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य 4,860 से घटाकर अब केवल 3,750 कर दिया है। और आरबीएल बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, 240 तक के टारगेट्स दे रहे हैं, इनका मानना है कि सरकार और कंपनियों की तरफ से डिपॉजिट आउटफ्लो हो सकते हैं, असेट क्वालिटी अभी भी स्टेबल बनती हुई दिख रही है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए करते हैं आज की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, पिक ऑफ द डे का बिगुल। हमारे ओपनिंग बैट्समैन है हमारे साथ तैयार, सचिदानंद उत्तेकर। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बायस नेगेटिव रखूंगा, इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक काफी ट्रेड है जहाँ पर यू नो सेल की पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है, और जुबिलेंट फूड मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीकर स्टांस पे है, तो जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन रही है एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन में है जहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट होगा अराउंड 1300 के आसपास, तो फ्यूचर में ये पर्टिकुलर लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाता है 1300 मुझे लग रहा है वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1325 का, एक कंडीशनल सेल है एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर मूव 1230-1210 तक एक्सटेंड होनी चाहिए, तो यहाँ पर कंडीशनल सेल होगा जुबिलेंट फूड्स पे बट 1300 के नीचे। 1300 टूटे तो ही बेचना है, अभी 1383 तो इतना नीचे, 83 रुपए नीचे आने के बाद उसके बाद शॉर्ट कर लें। सचिन जी तो मुझे लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो लेवल है वो ट्रिगर होने दीजिए, उसके बाद ही इनिशिएट करनी चाहिए। ओके परफेक्ट, ठीक है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी राय। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरी तो खरीदारी की राय है, बट राय से पहले अनिल जी आपको जी बिजनेस में अनिल जी 2 साल पूरे हो गए हैं तो उसकी एक हार्दिक शुभकामना है, और अनिल जी 2 साल का जो आपका सपना था जी बिजनेस को नंबर 1 बनाने का अनिल जी वो भी पूरा हुआ है तो उसकी भी अनिल जी हार्दिक शुभकामना है। बट अनिल जी एक चीज आप मानेंगे कि कोरोना का कहर इतना ज्यादा है कि पिछले सप्ताह से ट्विटर पर ट्रेंडिंग है जी बिजनेस नंबर 1 ना। अनिल जी मैं आपको मुबारकबाद दे पाया ना मेरे मित्र कुणाल जी मुबारकबाद दे पाए, तो आप देख सकते हैं कि कोरोना का कहर कितना ज्यादा है, बट अनिल जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं दोनों चीजों की।
बंसल जी, देखिए नंबर तो ठीक है, ये अपनी जगह है, गेम चलता रहेगा कम ज़्यादा। दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो ये कि जितना प्यार हमें दर्शकों का मिलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना सौभाग्यशाली है कि दर्शक उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस तरह की बेहतरीन टीम मुझे मिली है, चाहे वो मेरे ऑफिस के अंदर हो, सारे मुश्किल से एवरेज एज मेरे ख्याल से 30 साल की होगी हमारी टीम की, पूरी की पूरी यंग टीम है, एनर्जी है, जोश है, पॉजिटिव है, और साथ में काम करके चलना चाहते हैं। और दूसरी, ऑफिस के बाहर की जो मेरी टीम है, जिसमें आप हैं, वागले साहब हैं, बंसल जी हैं, अविनाश जी, सचिन जी, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, सिमी जी, जो सारे लोग हमारे साथ, नितिन जी, आशु सर, सब जुड़े हुए हैं, इतनी जबरदस्त टीम है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 2 सालों में मैं ऐसे कई रत्न ऑफिस में और ऑफिस के बाहर ढूंढ पाया हूं, जिसे मैं कह सकता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे ब्लू चिप्स हैं, ऐसे जेम्स हैं, जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ये संभव हो पाया कि ये 2 साल पूरे ऐसे बने हैं कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने इतिहास बनाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। और अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अनिल जी 20-21 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है, परसों की क्लोजिंग से 1063 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 1110 के लक्ष्य के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने की राय है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर करें आप तेजी, 1063 के स्टॉप लॉस के साथ और 1110 का टारगेट रखकर आपको चलना होगा, 1080 पर बंद हुआ है। वागल साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या करेंगे आप? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी आपको हार्दिक बधाई 2 साल के एनिवर्सरी पर, और मुझे खुशी है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे कॉल्स कितने चले हैं, लोगों की कितने पैसे बने, ये जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कॉल में पैसे बचे हैं और इसमें हमारा भी थोड़ा सा हल्का सा सहयोग है, और इसका मेन क्रेडिट आपको जाता है, और मुझे खुशी है हम आपके साथ हैं, मुझे वो सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिला है। आज के कॉल की बात करेंगे तो मुझे टीसीएस नहीं, बिल्कुल है। और हाँ बोलिए जी। नहीं बिल्कुल, और वागले साहब मैं सौभाग्यशाली हूं कि भले ही शुरुआत से नहीं, लेकिन जब भी आपको पहला मौका मिला, आपने मेरा साथ देने का सोचा और आप आए, ये और भी बड़ी बात है कि आप बीच में आकर मेरे साथ ज्वाइन हुए सीरियसली, और आपके आने के बाद जो और परफॉर्मेंस में हमारे सुधार आया, वो शब्दों में मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकता, दिल से शुक्रिया आपका सर। अनिल जी थैंक यू, दिल मिले हैं ये बड़ी बात है, और बाकी का सब हो जाएगा। अच्छा, मेरा आज का कॉल है टीसीएस, मेरा आज का कॉल है टीसीएस अनिल जी, लेकिन मुझे बेचना है बाउंस बैक पे, क्योंकि ये मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़े कम है, छुट्टियां है, तो कोई भी स्टॉक कोई भी लेवल पे वीकनेस होगा तो भी बेच नहीं सकते, आप ट्रैप हो सकते हो, तो आपके लेवल के लिए आने के लिए बाउंस बैक का वेट करें। 1709 1709 का क्लोज है, मैं 1730 और 1750 के रेंज में आएगा तो ही बेचने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है एक पैटर्न ऐसा डेवलप हुआ है जो अगले कुछ दिनों में आईटी स्टॉक्स में गिरावट जारी रहेगी, मेरा 1773 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे 1605 तक डाउन लेवल दिखते हैं जो 1 से 2 दिन या मे बी अगले वीक फर्स्ट हाफ में आ सकते हैं। 1730 से 1750 की रेंज में बेचना है, 1773 का स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट 10% नीचे तक के 1605 के, क्या बात है, अगर टीसीएस 10% तो यानी कि वागले साथ 7500 दिखाकर छोड़ेंगे। आइए स्वागत करते हैं कुणाल जी का। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या है आपका इरादा आज? अरे जी, इरादा आपको बधाई देने का है सबसे पहले, तो अनिल जी सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और साथ ही ढेरों बधाई अनिल जी। और सबसे अच्छी बात अनिल जी ये है कि जब 2 बरस पहले आपने अपनी यात्रा शुरू की थी, मेरे और राकेश जी को ये विशेष अवसर मिला कि हम लोगों ने आपको बहुत करीब से देखा, और जब देखिए जो टर्न अराउंड हुआ है जी बिजनेस का, वो मुझे लगता है अनिल जी एक केस स्टडी बननी चाहिए। तो जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, कई सारे टर्न अराउंड का वो लोग शोध करते हैं, तो इसका भी उनको रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरह से एक मीडिया चैनल को आपने इतने कम वक्त में नंबर वन बनाया। और जब आपने अनिल जी ये संकल्प किया था कि ये चैनल नंबर वन बनेगा,
तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता था, कई लोग तो हंस पड़ते थे सुन करके, और आज आप देखिए वो हकीकत हुआ है अनिल जी। तो उसमें आपका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो अचीवमेंट है, इसके लिए अनिल जी आपको मेरी और राकेश जी की तरफ से विशेष बधाई, और हमें गर्व है अनिल जी कि हम इसमें आपके साथ शामिल हो पाए। शुक्रिया सर, आपने उस अवसर हमें दिया, और मुझे आज भी याद है अनिल जी जब आप दिल्ली के दफ्तर में थे और आपने कहा था कि आप कमर कस लीजिए, कल से शुरू करेंगे, वो जो आपके शब्द हैं अनिल जी वो आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। दो बरस कैसे बीत गए अनिल जी पता ही नहीं लगा, लेकिन आपने जो संघर्ष किया, आपने जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया, और अनिल जी जो आपको हमने करीब से देखा, मुझे निजी रूप से बहुत फायदा हुआ अनिल जी, मैंने देखा आपको कि किस तरह से आप इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर पाए, और बहुत बार ऐसा हुआ अनिल जी कि आप बहुत तनाव में होते होंगे, बहुत से परेशानियां रहती होंगी, लेकिन कभी भी आपके व्यवहार में ऑन एयर ऑफ एयर कभी किसी तरह का कोई फर्क हमने नहीं देखा। तो ये अनिल जी मेरी तरफ से और राकेश जी की तरफ से अनिल जी आपको विशेष बधाई है और धन्यवाद भी अनिल जी। दिल से शुक्रिया आप सब लोगों के साथ का, प्यार का, विश्वास का, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। बताइए सर, आज का आपका पिक ऑफ द डे। अरे जी, मेरी भी पिक ऑफ द डे आज बेचने की थी, और TCS ही मुझे भी बेचना था, जिसका जिक्र अभी वागले जी ने किया। मुझे भी लगता है कि उछाल में TCS को बेचना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अनिल जी, क्योंकि TCS ऑलरेडी वागले जी कवर कर चुके हैं, एक शेयर और है जो कि बिकवाली करना चाहिए, और वो स्टॉक है टाटा पावर, जिसमें कि कल के ट्रेड में हमने एक ब्रेकडाउन देखा है, 33 रुपए के नीचे 31 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 26-27 के लेवल्स दिखाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई उछाल आज शुरुआती ट्रेड में मिल जाए तो यहाँ पर एक 33 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें 2 रुपए ऊपर, और नीचे मुझे लगता है कि इसमें 27 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए, ये है टाटा पावर में आपके लिए बिकवाली की राय कुणाल जी की तरफ से। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी गुड मॉर्निंग, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जी बिजनेस में 2 साल कंप्लीट करने के लिए, और डेफिनेटली आपका जो नजरिया है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं समझता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरा जो कॉल आज का है वो बेसिकली फार्मा सेक्टर में है, डायग्नोस्टिक कंपनी थायरोकेयर हमको पसंद है। हमको लग रहा है कि थायरोकेयर इस लेवल से अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड देने की क्षमता रखता है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, काफ़ी कैश है कंपनी के बुक्स पे, और जिस प्रकार का ये कोरोना वायरस बढ़ चुका है, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये डायग्नोस्टिक की जो बिज़नेस है यहाँ पे बढ़ाव का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में एज वेल एज FY21 में आपको एक 15-16% की अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगी। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला भी स्टॉक है और करंट लेवल पे भी खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है करीबन 575-600 का टारगेट है एटलीस्ट 12-15 महीने के लिए, और उसको ग्रेजुअली खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। यह है थायरोकेयर पर खरीदारी की राय। जल्दी से शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।